तो वही पानीपत फिल्म को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसी भी समाज की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर से सरकार की बातचीत हुई है, जल्द ही इसका भी समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड इसमें हस्तक्षेप करे और संज्ञान ले। तो वहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स को चाहिए कि फिल्म के निर्प्रदर्शन को लेकर जाट समाज के लोगों से अविलंब संवाद करे। पानीपत फिल्म को लेकर जो है आर्ट कल्चर का सब सम्मान करते हैं, परंतु किसी की भावना ठीक भी नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए हमने कहा समझाइश हो, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ में बातचीत हो, रास्ता से निकले कि समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, वो कन्विंस हो जाए, उसके बाद फिल्म चले, ज्यादा बेटर रहेगा, ये मेरा मानना है। इस बात पर सर बात हुई फिल्म के एशियस होम से बात हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी है, एशियस होम है, प्रिंसिपल सीएम है, सब ने अपने कोऑर्डिनेट किया है और डिस्ट्रीब्यूटर से बात भी हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कोई हल निकलेगा। देश को किस दिशा में ले जाएंगे लोग, टाइम बताएगा। समय रहते हुए सबको समझ जाना चाहिए मुल्क किस दिशा में जा रहा है। जहाँ बोलने की आज़ादी नहीं हो, असहमति को अपना दुश्मन मानते हो, देशद्रोही के मुकदमे बनते हो उन विद्वानों पर जो असहमति व्यक्त करते हैं, तो ये लोकतंत्र में कभी सुना नहीं हमने। इसलिए हम बार बार कहते हैं लोकतंत्र देश में खतरे में है, सोच समझ के कहते हैं। अब जनता को भी समझना पड़ेगा, जनता समझ भी रही है। जो आपका हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जो परिणाम आए हैं, उससे इनके आगे खुल जानी चाहिए। राष्ट्रवाद की बात करना, 370 की बात करना, ये तमाम इश्यू बनाए थे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र के अंदर भी और हरियाणा के अंदर सजा बन गई उनकी, पर मुंह की खानी पड़ी उनको। अभी नहीं समझेंगे तो फिर देखी जाएगी क्या होगा, देखते हैं।